जैसा कि मैंने आपको आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कॉइल के बारे में, कि हमारे मोबाइल फोन में जो कॉइल एक कंपोनेंट लगा होता है और वो क्या काम करता है, उसका टेस्टिंग क्या होता है, वो बोर्ड में किस हिसाब में लगा होता है, कैसा दिखता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात क्या, जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या है, आज हम जो सीखने वाले हैं कॉइल के बारे में। कॉइल, यह वीडियो उन लोगों स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर होती है जो ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनको मोबाइल फोन में सीखना चाहते हैं लेकिन बहुत थोड़ा बहुत आता है, या बहुत सालों से रिपेयरिंग तो कर रहे हैं, मान लिया 2-3 साल हो गए रिपेयरिंग करते करते, लेकिन उनको बोर्ड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है। सिर्फ उन्होंने क्या किया, सिर्फ करते करते स्पीकर, रिंगर, माइक, डिस्प्ले बदलना, टच बदलना, कॉम्बो बदलना, वो सारी चीज़ें सीख ली। लेकिन रही बात जब बोर्ड की, ये जो मदर बोर्ड आता है जिसे हम लोग बोलते हैं पीसीबी प्लेट, तो इसके अंदर के जो बोर्ड के अंदर पार्ट्स लगे होते हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं होता। तो आज हम सब लोग सीखने वाले हैं कॉइल के बारे में। कॉइल क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को पास करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को पास करता है। इसका काम होता है मोबाइल फोन में करंट को पास करना। अब हम बात करते हैं रियल शेप। रियल शेप का मतलब क्या होता है, बनावट, इसका डिजाइन कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है। ये जो होता है साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है। एक आपका कॉइल ऐसा होता है, साइड में सिल्वर होगा, बीच में तो दो कलर होते हैं, मतलब आधा हिस्सा जैसे मान लिया ब्लैक हो गया, ऐसे आधा हिस्सा आपका पूरा ब्लैक हो गया, आधा हिस्सा क्या हो गया, व्हाइट हो गया। ये वाली कॉइल को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कॉइल। इस वाली कॉइल को हम लोग बोलते हैं टू कलर कॉइल। उसके बाद फिर आपकी एक और कॉइल होती है जो गोल शेप में होती है या इसमें डॉट लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बूस्ट कॉइल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बूस्ट कॉइल। तो ये दो कलर की कॉइल पाई जाती है, बूस्ट कॉइल होती है, राउंड कॉइल होती है, ब्लैक कलर की कॉइल पाई जाती है। अब देखिए हमारे पास बोर्ड है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे। जैसे अगर आप बोर्ड में देखेंगे तो ये ब्लैक कलर की जो छोटी छोटी लगी हैं बड़ी सी, इन्हें कॉइल बोलते हैं। ये जो गोल शेप में लगी है हमारे, ये बूस्ट कॉइल बोलते हैं। ये जो लगी हैं ब्लैक कलर की बड़ी बड़ी, इन्हें हम लोग बोलते हैं कॉइल। क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। उसके बाद इधर देखेंगे आपकी ये मोटी सी ये लगी, ये कॉइल है, ये कॉइल दिख रही है। इसके बगल में ये लगी, ये भी छोटी सी कॉइल है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। अगर ये ख़राब हो जाती है तो सप्लाई जाना बंद हो जाती है। अब हम बात करेंगे कॉइल को चेक कैसे करते हैं। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं ये देखने, वीडियो देखने बाद आप अपनी कॉपी नोट करिए, अच्छे से समझिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने मेरे को मैसेज किया हुआ है कि ये अपना नंबर है 6391711711, इस नंबर पर मैसेज किया हुआ है। एक हमारे आंध्र प्रदेश के हैं जिन लोगों ने हमें मैसेज किया हुआ है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में सर आज हमने वीडियो देखा हुआ, उसे प्रॉपर नोट किया हुआ है और मुझे व्हाट्सअप पर भेज भी रहे हैं, ताकि हमें भी लग रहा है कि चलिए हम आपके लिए कहीं ना कहीं अगर आपको मदद कर रहे हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं, तो आपको चीज़ सीखनी भी चाहिए और समझ में आनी भी चाहिए। कॉइल, अब हम बात करेंगे इसका डिनोटिंग लेटर। इसका डिनोटिंग लेटर जो होता है एल होता है, इसका डिनोटिंग लेटर एल होता है। अब हम बात करेंगे सिंबल की। इसका इस तरीके से स्प्रिंग की तरह निशान होता है, डिनोटिंग लेटर एल होता है, ये इसका सिंबल होता है। अब बात करते हैं इसका यूनिट क्या। इसका चेक करने का इकाई होता है हेनरी। इसका चेक करने का यूनिट होता है हेनरी। जैसे रजिस्टर को हम ओम पे चेक करते हैं, कैपेसिटर को फैरेड में चेक करते हैं, उसी तरीके से कॉइल का चेक करने का यूनिट होता है हेनरी। हेनरी का मतलब होता है कि मापने का इकाई, कि जैसे करंट को वोल्टेज में मापा जाता है
उसी तरीके से मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई वजन चेक करना है तो आपको किलोग्राम में नापते हैं, उसी तरीके से कॉइल को जो नापने का यूनिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेनरी। अब बात करते हैं ऊपर कॉइल का काम क्या होता है। कॉइल के बहुत सारे हमारे मोबाइल फोन में काम होते हैं। सबसे पहला काम तो यही होता है सप्लाई को पास करना, यानी करंट को पास करना। उसका दूसरा काम होता है फ्रीक्वेंसी फिल्टर करना। फ्रीक्वेंसी फिल्टर करने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा करंट होता है, करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसको फिल्टर करना। क्योंकि जैसे फ्रीक्वेंसी कैसे फिल्टर होती है, ये भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जैसे मान लिया आपका ये सप्लाई, यहाँ से आपने करंट दिया और करंट इसमें राउंड होकर के जैसे करंट इधर निकलेगा तो बीच में बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बनने से क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमको आगे अगर प्योर डीसी करंट चाहिए होता तो हमने कॉइल लगा दिया तो हमको फ्रीक्वेंसी क्या कर देती है, वो फिल्टर कर देती है। तो सबसे पहले काम होता है सप्लाई को पास करना, दूसरा काम होता है फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करके पास करना। अब हम बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की, कॉइल को चेक कैसे करते हैं। टेस्टिंग कॉइल को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को, एमएम का मतलब होता है मल्टीमीटर, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर बीप दे टोके। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर बीप साउंड दे, चेक करने पर अगर बीप देता है तो सही है। फॉल्टी मतलब खराबी, खराब कैसे होगा, बीप ना दे तो खराब है, अगर बीप नहीं देता तो क्या है, खराब है। इस तरीके से हम कॉइल को चेक करते हैं। अब बात करते हैं कॉइल हमारा सर्किट में काम कैसे करता है। देखिए मैं आपको वो भी समझाता हूं कि जैसे मान लो एग्जांपल सी बात है, आपके मोबाइल फोन में मान लिया ये ट्रैक है, इस ट्रैक में कंपनी यहां पर ऐसे कॉइल लगा देती है, फिर आगे कॉइल लगा देती है, तो ये करंट आपका इधर से आएगा, इधर से होकर के फिर आगे निकल जाएगा, फिर इधर से होकर के फिर इधर आगे निकल जाएगा। तो ये क्या काम कर रहा है, सप्लाई को पास कर रहा है। अगर ये कॉइल खराब हो जाएगा तो आपका लाइन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो हमारा वो लाइन काम करना बंद कर देगा। जैसे एग्जांपल से बात कहता हूँ, हमारे मोबाइल फोन ज्यादातर ऐसा होता है कि जैसे स्पीकर के पॉइंट होते हैं, तो स्पीकर के पॉइंट में क्या होता है, ऐसे यहाँ पर कंपनी ऐसे इस तरीके से कॉइल लगा देती है ताकि जो करंट होकर के आएगा वो फिल्टर होकर के आएगा। अब अगर ये कॉइल खराब हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीकर काम करना बंद कर देगा, जो स्पीकर काम करना बंद कर देगा तो यहाँ पर वैल्यू आना छोड़ देगी, मतलब लाइन ब्रेक हो जाएगी। जब लाइन ब्रेक हो जाएगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा जम्पर लगाना पड़ेगा, जम्पर लगाना पड़ेगा, हमारा लाइन ओके हो जाएगा। कॉइल पे जम्पर लगाने से काम हो जाता है, लेकिन ये 100% बात नहीं कि कॉइल पे जम्पर लगाना ठीक हो जाता है। क्यों, क्योंकि कॉइल में ये रहता है कि कुछ ऐसी कॉइलें होती हैं जैसे लाइट सेक्शन की कॉइल हो गई या पावर सेक्शन की कॉइल हो गई, तो उस कॉइल की जगह पर आपको कॉइल लगानी ही पड़ेगी। जब तक आप कॉइल को नहीं लगाएंगे तब तक वो काम नहीं होगा। अब देखिए आइए मैं आपको बोर्ड में चेक कराता हूँ कि बोर्ड में किस तरीके से कॉइल को चेक करेंगे या प्रॉपर उसकी टेस्टिंग करेंगे। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड में हम लोग क्या करेंगे, कॉइल को चेक कर रहे हैं, मल्टीमीटर को हम लोगों ने बी पॉइंट पर सेट कर लेना है। ऐसे हमने बी पॉइंट पर सेट किया, बी पॉइंट पर सेट करने के बाद हमने क्या किया, कॉइल को चेक किया। जैसे हमारे फोन में कॉइल लगी, इसको हमने चेक किया, तो ये देखिए चेक करने पर क्या दे रहा है, बीप दे रहा है। अगर बीप देने का मतलब ये है कि कॉइल हमारा सही है, ठीक है, हमने इसको चेक किया, ये कॉइल चेक करने पर बीप दे रहा है तो हमारा क्या है, सही है। आपने बोर्ड में और भी सारी बहुत सारी जैसे ये लगी है कॉइल, इसको आपने चेक किया, बीप दे रहा तो सही है, ये बीप दे रहा तो सही है, और ये लगा है कॉइल बीप दे रहा तो सही है, ये बीप दे रहा तो सही है। तो ये कॉइलें होती हैं, चेक करने पर क्या होता है, बीप देता तो सही है, बीप नहीं देता तो खराब है। कि जैसा कि आज आप लोग दोस्तों ने सब लोगों ने सीखा कॉइल के बारे में,
तो सभी लोग वीडियो को वॉच करिए, देखिए, उनको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरीके से जो भी सारी वीडियोस हैं वो आपको एक एक करके मिलती रहे और आपको समझ में आती रहे। ये नंबर दिया हुआ है 6397। आप मुझे जो भी सारा चीज़ सीख रहे हैं, जिस सब चीज़ों के बारे में काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैसेज करिए। आप एक एक करके आकर के सारे स्टूडेंट अपना सीख सकते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए किस तरीके से स्टूडेंट अपना क्लास करते हैं, कैसे रिपेयरिंग करते हैं। इस तरीके से मोबाइल फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक एक हम लोग सब मिलकर के क्या काम करते हैं कि उसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि जैसे उसके अंदर पार्ट को चेंज करना है, डिस्प्ले को चेंज करना है, या कैमरे के अंदर पत्ते को चेंज करना है, ये सारा अपना पूरा प्रैक्टिकली वर्क होता है। तो इस तरीके से एक एक करके हम सब चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। थैंक यू दोस्तों।